Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. जिज्ञासा यह है कि महाराज श्री जी आप कह रहे हो कि विचारों के प्रवाह में बहना नहीं, उसके प्रभाव में नहीं आना, घटनाओं से अपने आप को डिटैच करना, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करें कि हम घटनाओं के आवेश में न आए? देखिए, प्रैक्टिस कई तरह से हो सकती है, या हम दो तरह की बात करते हैं। पहली बात यह कि घटनाएं जिंदगी में आएगी, उसको एक्सेप्ट करना, उसके साथ विरोध करने में मत पड़ना, क्योंकि जैसे ही आप विरोध में जाते हो वैसे ही आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो और उस घटनाओं को लंबा कर लेते हो। तो किसी ने कुछ भी कहा हो, बिजनेस ने प्रॉफिट दिया, लॉस दिया हो, लोगों ने सम्मान दिया, अपमान दिया हो, हर चीज के प्रति आपके भीतर तक ये बोध आ जाए, आई एम थैंकफुल टू एवरीथिंग एंड एवरी फॉर एवरीवन, आई एम थैंकफुल टू एवरीथिंग, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन। अगर ये बोध आ गया ना, तो भी आप उसके प्रभाव में नेगेटिवली नहीं जाओगे, कम से कम आपके अंदर एक्सेप्टेंस तो आई, थैंकफुलनेस तो आई, वो भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जिस लेवल पे आप हैं ना, हम लोग हैं ना, जनरली हम लोगों को हर हाल में थैंकफुल होना नहीं आता। हमारा मन पसंद हो तो हमारे मुंह से थैंक यू निकलता है, मन पसंद ना हो, इट इज डिफिकल्ट ना, मन पसंद नहीं हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पहले ये प्रैक्टिस करो, किसी ने फोन पे मना कर दिया, अभी पेमेंट नहीं मिलेगा जी, अब हो गया, तुमने पिछले से चार बार मेरे को हर बार फोन पे मना करता रहा, क्या आदमी है तू, वो जानवर है, कुछ भी बोल सकते हो आप, तब आपको ऊपर से बोलना भी पड़ेगा थोड़ा रोष में आकर के, तो भी अंदर में बोलना ओके आई एम थैंकफुल, मेरे पेशेंस की परीक्षा हो रही है, मैं यहाँ भी थैंक यू बोलता हूँ, अंदर में तो बिल्कुल थैंक यू बोलना, बाहर में जरूरत पड़े तो इतना कहना भाई साहब जरा देख लो ना, प्यार से बात करो ना, गुस्से से भी कर सकते हो, आपका विकल्प है, आप चुनो कौन सा मार्ग है ना, पर आप प्यार को चुनो। तो पता क्या होगा, जैसे आप विरोध में आते हो ना, वो घटनाएं लंबी खींचती है, सामने वाले के दिमाग में तो खींचेगी, वो अलग बात है, आपके अपने दिमाग में उसका चैप्टर लंबा हो जाएगा, सुबह का एक फोन पूरे दिन भर का मूड खराब कर देता है, होता है ना आपके साथ, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस साधो कि सुबह सुबह भी फोन में किसी ने कुछ उटपटांग बोल दिया है, ओके थैंक यू। अब मन को शांत करना, क्योंकि मन में आवेश उबलता है, बाहर में तो हम जुबान पे कई बार कंट्रोल कर देते हैं, जहां 100 शब्द बोलने की इच्छा होती है वहां हम 10 शब्द बोल के अपने आप को रोक देते हैं, और कई बार 2 भी नहीं बोलते, वहां इतना भी कंट्रोल हम कर लेते हैं, लेकिन भीतर में आग लगती है, उस भीतर की आवेश को संभालने के लिए पूरे मन से प्रैक्टिस करो, आई एम थैंकफुल टू एवरीथिंग, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन, आई एम एक्सेप्टिंग All situations as they are. Patience. Develop करो अपना, बोल बोल के, अंदर में बोलना, जरूरत लगे अंदर से भी नहीं हो रहा है तो कमरा बंद हो, ऑफिस में बैठे हो, वहां जोर जोर से बोलना, खुद को बोलना, आईने के सामने खड़े होकर खुद को बोलना, बोलो, प्रैक्टिस करना है ना, थैंक्स गिविंग की प्रैक्टिस करो, इतनी आप थैंक्स दे पाओगे ना, उतना ही बाहर की चीजों से आप अपने आप को अपने नए तरीकों से हैंडल कर रहे होंगे, वरना बाहर की चीज चलाती है हमें, दुनियादारी चलाती है हमें, घटनाएं चलाती है हमें, लोग चलाते हैं हमें, माहौल चलाता है ना, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो वो सब नहीं चलाएंगे, आप खुद खुद को संभाल रहे होंगे। तो फर्स्ट प्रैक्टिस ये करो, क्या प्रैक्टिस है, थैंक्स गिविंग की प्रैक्टिस, पसंद हो या ना पसंद, हर माहौल में थैंक्स देना, मेरी इच्छानुरूप काम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, मेरे भीतर में गहराई तक थैंक यू निकलना,
ये धर्म ध्यान कहलाता है, इसको धर्म ध्यान कहते हैं। जो बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, धर्म ध्यान ही नहीं करे हमारा टावर तो एक्चुअली वो भी कहते हैं, पर पता नहीं वो भी धर्म ध्यान का मीनिंग क्या समझते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म ध्यान का मतलब है कि आपने माला फेरी कि नहीं फेरी। तो आपके बच्चे कहते हैं तो माला फेरने से हो क्या जाएगा, क्या एक माला फेरने से भगवान मिल जाएंगे, क्या एक माला फेरने से सारे पाप दूर हो जाएंगे। अब बच्चों के सवाल भी सही है, वो कहते हैं मम्मी आप तो इतनी मालाएं फेरते हो, फिर आपके साथ तो इतनी टेंशन बनी रहती, होता क्या। यही सवाल है हमारे बच्चों के। तो आप कहते हो धर्म ध्यान नहीं करता, और वो धर्म ध्यान का मतलब ही उनको नहीं पता। वो समझते हैं कि माला फेरने से कैसे धर्म ध्यान हो जाता है, माला आप हाथ में लेके बैठती हो और सब घर का ध्यान रखती हो, कौन आया कौन गया, तो धर्म ध्यान कहाँ हुआ। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ धर्म ध्यान? अपने ध्यान को पॉजिटिवली कन्वर्ट करना, नेगेटिविटी में जाने से रोकना और पॉजिटिवली कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड धर्म ध्यान। वो हम कर सकते हैं। कब करना होता है ये? एग्जैक्टली, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इन एनी सिचुएशन, कहीं पर भी। घर से निकले, टैक्सी की जरूरत है, टैक्सी वाला आया ही नहीं 5 मिनट, अच्छा ओला आपने बुक कर दिया लेकिन वो आया ही नहीं, अब नीचे आप खड़े हो 10 मिनट 15 मिनट, आपको गुस्सा आ रहा, फोन पे फोन किए जा रहे, सामने लगा फोन बिजी बोल रहा है ना, परेशान हो रहे हो, और उस टाइम में भी धर्म ध्यान की जरूरत है, क्योंकि आप परिस्थिति के प्रभाव में आ रहे हो ना, क्योंकि आपको पेशेंस नहीं हो रहा है। तभी अंदर से बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, और वाकई आप विश्वास करो होगा अच्छा। दैट इज कॉल्ड धर्म ध्यान, किसी भी सिचुएशन में करो। कोई आपको क्विट कर जाए, छोड़ जाए, तभी बोले इट्स ओके, अंदर से बोलो थैंक यू, बाहर से उसको बोल देना भाई क्यों रे, कमिट करके क्यों छोड़ रहे हो, बाहर से बोल देना उसको, अंदर से क्या बोला ओके थैंक यू, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। दैट इज कॉल्ड धर्म ध्यान। ये प्रैक्टिस करो फर्स्ट, ठीक है। सेकंड प्रैक्टिस, अगर इतना कर पाओगे तो दूसरी प्रैक्टिस करने की और एक अच्छी स्थिति भूमिका बन पाएगी। दूसरी प्रैक्टिस यह है कि जो भी घटना घट जाती है ना, उसके बाद दिमाग जब भी चलने लगता है, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो, मैं इस घटना को भुलाता हूँ, मैं इस बात को भुलाता हूँ, मैं उस व्यक्ति को भुलाता हूँ, जो भी चीज़ आपके दिमाग में प्रभाव डाल रही है। क्योंकि हमारा प्रश्न है कि हम प्रभावों से बाहर कैसे आए। प्रभाव तो आते ही हैं, प्रवाह चलेगा और प्रभाव पैदा होंगे, हमें उन प्रभावों से अप्रभावित कैसे रहना है। तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि पहला रजिस्ट करना बंद करो, हर चीज को पॉजिटिवली लेना स्टार्ट करो, थैंक्स गिविंग की हैबिट डेवलप करो, एंड द सेकेंड पॉइंट इज मैं भुलाता हूं, भुलाता हूं, छोड़ता हूं। छोड़ने की प्रैक्टिस करो। आज की दुनिया में सबसे दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग छोड़ ही नहीं पाते। बाहर से चीजें छूट जाती है, भीतर से छूटती नहीं है। वही हमारा मानसिक जगत है जो हमें दुख दे रहा है, और उस मानसिक जगत में हम ही सारे वे बातों को इकट्ठी करके बैठे हैं जो हमें प्रिय नहीं है। अब देखो, दिमाग में ज्यादा प्रभाव अक्सर उन चीजों का रहता है जो हमें प्रिय नहीं, ऐसे ही ना। कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि जवानी में बहुत अच्छी कल्पनाएं, बहुत सपने हैं, बहुत प्यार, सब कुछ उताल तरंगे लेती है। फिर एक समय आता है जब आदमी कभी हर्ट होता है, जवानी जिम्मेदारियों के बोझ तले आता है, जब आदमी बीमार होता है, तब आदमी के अंदर में लगातार नेगेटिव 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 सोच आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं कह रही हूँ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चीजों को छोड़ना सीखो, भुलाना सीखो, प्रभावों को छोड़ना और भुलाना। इसके लिए समण भगवान महावीर स्वामी ने मंत्र दिया, अपानम वो सिरामे, अपानम वो सिरामे, यानी मैं उस आत्मा को ही विसराता हूँ, वो सिरामे ने विसराता हूँ, विसराता हूँ यानी छोड़ता हूँ, भुलाता हूँ, यादों से डिलीट कर देता हूँ। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो यादों से डिलीट करने की। वो प्लग कैसे निकाल देते हैं स्विच बोर्ड में से,
ऐसे अपने माइंड के स्विच बोर्ड में से वे प्लग जो परेशान कर रहे हैं वो परेशानी वाले सारे प्लग्स निकाल करके डिस्कनेक्ट कर दो, डिस्कार्ड कर दो, बाहर कर दो, अपने आप को उन घटनाओं से डिसोसिएट कर दो। बोलो हो गया सो हो गया, छोड़ो ना, अपने अंदर की गहराई तक संस्कार डालो, छोड़ो, कल की बात है ना, आज तो उसका प्रभाव मत रखो, छोड़ दो, प्रैक्टिस। क्योंकि जितने दुख आपके दिमाग आपको दे रहा है ना, वे सारे दुख प्रेजेंट के तो नहीं है। पास्ट फ्यूचर की है ना, तो जब पास्ट फ्यूचर आने लगे तो बोलो अपने आप को, अपानम वो सिरामी, मैं छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ। जो सामने है उसको जीना, जो प्रत्यक्ष है उसको जीना। हम कहते ना सामायिक करो, एक्चुअली सामायिक का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष को जियो। सामायिक यानी समय में, समय मीन्स प्रेजेंट मोमेंट, ओके। तो सामायिक का, सामायिक करने का मतलब क्या हुआ, सामायिक में रहना। सामायिक में रहने का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। और लोगों ने सामायिक करने के साथ वो जो एक कल्पना पैदा की ना, उस कल्पना ने इतना ज्यादा आदमी को कठिन बना दिया, कैसे सामायिक कौन करेगा, किसको टाइम में पोजिशनों में करेंगे देखेंगे। बट एक्चुअल सामायिक का मतलब क्या है, हमें समय में रहने का अभ्यास करना। जो प्रत्यक्ष है ना उसको देखना, जो सामने नहीं है उसको लेकर के अपने दिमाग पे भार क्यों पैदा करना। फिर भार आ जाए तो एक ही बात बोलो, अपानम वो सिरा में। और इसका प्रैक्टिस का एक तरीका भी है कि सांस को बाहर छोड़ो, गहराई से बाहर छोड़ो, और जाते हुए सांस के साथ बोलो कि मैं इस विचार को विसराता हूं। वो सिरा में, वो सिरा में, वो सिरा में। सांस भरी, सांस छोड़ी, छोड़ती सांस के साथ बोलना वो सिरा में, बुलाता हूँ, बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। और कम से कम बुढ़ापे में तो ये साधना कर ही लेना, कम से कम, मतलब हर वक्त करो बेस्ट है, हर दिन करो बेस्ट है, नहीं तो बुढ़ापे में तो कर ही लो, नहीं तो इतना मलबा लेके मरोगे कि खुद खुद को कहाँ ले जाओगे, दूसरे कोई नहीं ले जाएगा, खुद खुद को ले जाने वाले हैं, खुद की गति खुद बनाने वाले हैं। जितना भरा है ना अंदर वही गति है, जैसा भरा है वैसी स्थिति है। दुख भरा है तो दुख की स्थिति में जाओगे, सुख भरा है सुख की स्थिति में जाओगे, शिकायत भरी है शिकायत वाली स्थिति में पैदा हो जाओगे, धन्यवाद भरा है धन्यवाद वाली स्थिति में पैदा हो जाओगे। जो अंदर भरा है वही हमारी गति, वही हमारी स्थिति बनने वाली है। इसीलिए उम्र के तीसरे पड़ाव पर आने पर तो चेत ही जाना, इसीलिए अभी चेत जाओ, अभी चेत जाओ। और वाकई जिंदगी में अगर सफल होना है ना, ये चीज सीख लो। मतलब बूढ़े लोगों को मैं गति के लिए कह रही हूँ, लेकिन जवानों के लिए कह रही हूँ कि अभी ही सफल होना है हमें तो प्रभावों से बाहर आके देखना सीखो, सफल हो जाओगे। और जितना किसी के प्रभावों में बहोगे उतना अपनी सफलता के मार्ग पे बाधाएं पैदा कर दोगे। दो प्रैक्टिस, रेजिस्ट नहीं करना, थैंक्स 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 थैंक्स, आई एम थैंकफुल टू एवरीथिंग फॉर एवरीवन, और अपानम वो सिरा में, मैं छोड़ता हूँ, भुलाता हूँ, विसराता हूँ। खुद को बार बार कहो, करने से आप, प्रैक्टिस करने से होगा, लेकिन बातें सुनने मात्र से नहीं होगा भाई साहब। फिर अभी सुन लोगे फिर कहोगे कुछ हुआ था तो ही नहीं है, भाई आपकी प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। और आपके दिमाग में आकर के तो मैं बोल नहीं सकता ना, वो तो आपको ही बोलना होगा। तो अपने दिमाग में आप खुद कहो, बार बार कहो, चीजें चेंज हो जाएगी। जय हो।